हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो ही समाज दुखी है, एक दलित समाज और दूसरा हमारा अल्पसंख्यक समाज। सरकार खुद काम ना करके आरएसएस के कुछ चुनिंदे लोगों के इशारे पर काम कर रही है और तरह तरह से हम लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर का मामला रहा हो, चाहे वो मस्जिद का मामला रहा हो, चाहे समय समय पर दलितों और हमारे मुसलमान भैया भाइयों के ऊपर अत्याचार की बात रही हो देश के कोने कोने पर। आज कांग्रेस पार्टी का आप सबका विभाग और एससी विभाग मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज बुलंद करना चाह रहा है भाई राजेश लिलोटा जी के नेतृत्व में और हमारे हारू सुनब जी के नेतृत्व में। देश के कोने कोने में एक आवाज जाएगी और एक नारा निकलेगा कि दलित मुस्लिम भाई भाई, दलित मुस्लिम भाई भाई। देश के कोने कोने में जैसे एक नारा 1962 में निकला था कि चीनी हिंदी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसी एक नारा आज हमें जरूरत पड़ गई है कि दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के कोने कोने में, गलियों में, मोहल्लों में, प्रदेशों में, हर जगह एक नारा गूंजे कि दलित मुस्लिम भाई भाई, दलित मुस्लिम भाई भाई। इस दलित मुस्लिम विरोधी सरकार को, हमारे युवाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें हर प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव को उखाड़ के फेंकना है और एक सीधे सरकार हमें देश के अंदर लानी है। जैसे कांग्रेस के पिछले 70 साल के राज में दलित और मुस्लिम सुरक्षित थे, ऐसे हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव हो, हमें सबको एक होकर इन दलित और मुस्लिम विरोधियों के विरुद्ध काम करना है। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।